एक बार फिर से मेरे न्यूज टीजन न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षकों के लिए खबर। शिक्षक अब जिले में 5 साल ही कर सकेंगे नौकरी, यानी 5 साल के बाद इनका स्थानांतरण दूसरे जिला में कर दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे न्यूज टीजन न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का अपडेट जब भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कैबिनेट के स्वीकृति के बाद बुधवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जिला को 5 जोन में बांटा गया है। जोन 1 में जिला मुख्यालय एवं जोन 2 में अनुमंडल एवं 3 में प्रखंड मुख्यालय विद्यालय को रखा गया है। नियमावली के अनुसार अब शिक्षक जोन 1 एवं 2 में सामान्यता एक टर्म 5 वर्ष से अधिक के लिए पदस्थापित नहीं किए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित रहने की स्थिति में HRA TA आदि का लाभ नहीं दिया जाएगा। शिक्षक के द्वारा स्वतः इसके संबंधित वित्तीय लाभ की राशि निकासी नहीं करने की जानकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को दी जाएगी। राशि निकासी होने की स्थिति में दोनों दोषी होंगे। जोन 1 एवं 2 में जहां 1 टर्म से अधिक के लिए शिक्षक पदस्थापित नहीं होंगे, वहीं जोन 3 में 5 तक में पदस्थापित शिक्षक 1 टर्म से अधिक समय रहने के लिए आवेदन दे सकते हैं। शिक्षक के अनुरोध के आधार पर 1 टर्म से अधिक से लिए इन जोन में से उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।